इट्स लाइक ए हग बाई द प्राइम मिनिस्टर टू सिख कम्युनिटी टुडे आज का इंटेक मुझे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला वो ये है कि कौम धर्म ज़रूरी है लेकिन यूनिटी देश की उससे ज़्यादा जरूरी है वेरी थिंग व्हिच वी डिस्कस टुडे वाज द ड्रग इन पंजाब नाउ वी सी मोर ऑफ यूथ इवन फ्रॉम एनरिच्ड एनवायरनमेंट्स फ्रॉम फैमिलीज व्हिच आर डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली दे आर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग रीड मोर इनटू द टॉपिक Explore more about about the issue and raise concerns about such things at a larger level। जितना चिंतित और जितना concerned Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी हैं Sikh समुदाय के लिए कम से कम मैंने भी सैंतीस साल की सर्विस की है रिटायरमेंट से पहले इस तरह का मुझे देखने को नहीं मिला और मैं समझता हूँ कि हर सिख को हर पंजाबी को हर इंडियन को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी कम्युनिटी के लिए अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए इस देश के इतिहास के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही मिले जो हमेशा हर समुदाय को ये नहीं कि खाली सिख समुदाय सारों को इकट्ठा लेके चलने की बात की जाए और जैसे उन्होंने आज हमें खुद इनवाइट करके यहाँ पर बातें की जिस तरीके से हमको अपने विचार बताए कि जो इस देश को इकट्ठा करने के लिए जो हमारे मनों के अंदर में थी उसका भी बड़ी क्लैरिटी हुई और आ, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले सात सालों में खास तौर से दिल्ली के सिखों के लिए जो एस आई टी बना के उन्नीस सौ चौरासी के कातलों को अंदर किया उसका दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत उनका सत्कार है आज मोदी साहब के साथ इंटेक्शन बहुत बढ़िया रहा एक इतने बड़े लीडर के साथ ज़मीनी तौर पर जुड़कर देश की छोटी छोटी समस्याओं पर डिस्कशन करना बहुत प्रभावी रहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर अगर हम उनको पूर्ण बहुमत दें हर एक राज्य में तो वो देश का मुस्तबिल देश का फ्यूचर प्रॉपर तरीके से बदल सकते हैं और हमें उस रास्ते में ले जा सकते हैं जिसके हम कामना करते रहे हैं मोदी जी आ, को देख के ही पहले तो उनका और से ही प्रभावित हुए रियलाइज किया वो कितने सेंसिटिव हैं हर एक इशू पे अब स्पेशली जैसे हम सिख माइनॉरिटी से हैं फिर भी उन्हें हर एक बारीकी की चीज़ के बारे में मालूम है पंजाबी चाहे वो लैंग्वेज क्यों ना हो उन्होंने बताया कि जो मातृभाषा है हमारी वो कितनी इम्पोर्टेंट है बहुत ही इतना इनफॉर्मल माहौल मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि ऐसा हो सकता है बहुत ही एक अच्छा महसूस हुआ जिस तरह उन्होंने समझने की कोशिश की कि सिखों के मन में क्या इश्यूज हैं क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं क्या भावनाएं हैं और उनको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर हैज़ वन ऑल ओवर बाय मेकिंग इट नेशनल सेलिब्रेशन द सेलिब्रेशन ऑफ देंटनरी ईयर ऑफ 550th ईयर ऑफ गुरु ग्रंथ साहब एंड ऑफ़ कोर्स गुरु तेग बहादुर जी की जो शताब्दी है वो उसके लिए जो किया जा रहा है सो देर इज़ अ लॉट दैट फॉर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल दीज थिंग्स गो अलॉन्ग वे एंड द मैसेज ऑल्सो ट्रांसफर्स टू द होल ऑफ द वर्ल्ड अमंग दोरा सिटिंग ऑल ओवर